हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जहां पर मैंने आपको फुल प्रोसेस बताया था कि अगर आपके पास कोई गूगल पिक्सल डिवाइस है तो उसका रिपेयर आप अपने इंडिया में रह करके कैसे करा सकते हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए ऊपर आपको आई बटन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे मेरी बनाई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों फाइनली जो मैंने अपने गूगल पिक्सल डिवाइस को रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था बीटोक्स कंपनी को, वो मेरे पास डिलीवर हो चुका है। तो दोस्तों जो मुझे पार्सल मिला वो कुछ इस कंडीशन में मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ कार्डबोर्ड का एक बॉक्स है, प्लेन है हर तरफ से और ऐसे करके मुझे बॉक्स मिला है। हालांकि मैंने जब इनको यहाँ से शिपमेंट के लिए अपना मोबाइल दिया था तो वो एक मोबाइल फोन का प्रॉपर बॉक्स था, सैमसंग का मोबाइल फोन था और उसके बॉक्स में मैंने उनको पैक करके दिया था, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये एक नॉर्मल से कार्डबोर्ड में दे देंगे। तो दोस्तों मुझे ये बॉक्स ऐसे कार्डबोर्ड में नहीं मिला था, इसके साथ एक ये इसके ऊपर एक पॉलीथिन की रैपिंग की हुई थी और इसमें बीटोस की ब्रांडिंग है जो इनका सर्विस सेंटर है और फ्रंट साइड में यहाँ पर कुछ डिटेल वगैरह दी है। तो दोस्तों मैं अपने इस बॉक्स का एक्चुअली मेरे इस पार्सल का अनबॉक्सिंग पहले ही हो गया और इसका अनबॉक्सिंग जो किया था वो कोरियर वाले ने ही कर दिया था, मेरे सामने ही किया हालांकि, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड वही था और आप इसको स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे जानवरों जैसा इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा है, तो मुझे देखकर बड़ा अजीब सा लगा। हालांकि ये अनबॉक्सिंग मैं करना चाहता था लेकिन वो पहले उसने कर दिया। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपके लिए एक इसकी शॉर्ट अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि आखिरकार इनके बॉक्स के अंदर में मिलता क्या है। तो दोस्तों बीटूएक्स की तरफ से मिलने वाला जो हमारा बॉक्स है वो इस तरीके के कार्डबोर्ड में आता है और इसका जो रैपर है कुछ इस तरीके की पॉलीथिन में पैक होकर आता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसकी अनबॉक्सिंग जो है कोरियर वाले ने ही कर दिया था, एक्चुअली शिपिंग के टाइम वो नखरे कर रहा था, वो लेने के लिए ही नहीं रेडी था, लेकिन जब ये मेरे पास रिपेयर होकर के आया तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही था और मेरे बॉक्स और मेरे इस पार्सल का जो अनबॉक्सिंग है उसी ने किया था, तो मेरे लिए भी सही था। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई थी तो मेरे लिए भी एक तरीके से प्रूफ के लिए सही भी था। तो अब हम लोग करते हैं अपने इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो हमें सबसे पहले इनके कुछ पेपर वर्क वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पर जो डिटेलिंग है मेरे मोबाइल की रिपेयरिंग से रिलेटेड वो सभी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है और उसके साथ साथ जो टिकट नंबर, जॉब नंबर, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। तो ये जो बॉक्स है ये इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, सिर्फ एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के अंदर एक और कार्डबोर्ड है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इस तरीके के बॉक्स में आएगा, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है ये अपने पिक्सल का जो ओरिजिनल बॉक्स है शायद उसमें दे, अगर उसमें नहीं दे सकते थे तो जो मैंने बॉक्स दिया था कम से कम इसी में दे देते, बट उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। और जो मोबाइल फोन की बात करते हैं तो नॉर्मल सिर्फ एक ये माइक्रोफाइबर बैग टाइप का है, इसके अंदर इन्होंने रख के दिया है, इसके ऊपर कोई भी बबल रैपर वगैरह कुछ भी नहीं है, एयर बबल का जो रैपर होता है वैसा कुछ भी नहीं है जिससे मेरा डिवाइस डैमेज ना हो, नॉर्मल सा सिर्फ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ का एक बैग है और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा मोबाइल फोन हालांकि इन्होंने रिपेयर करके दे दिया है, डिस्प्ले में कोई भी क्रैक नहीं है। बॉडी की अगर बात करते हैं तो इसकी बॉडी में भी कहीं पर मुझे कोई भी क्रैक नहीं दिख रहा है, हर तरफ से सही है, कोई भी ऐसा कोई डेंट वगैरह भी नहीं दिख रहा है। चलिए इसको फिलहाल ऑन करते हैं। दोस्तों जब मुझे ये डिलीवर हुआ था तो मैंने इसकी सेटिंग जो है अपने आप पहले ही कर ली है, तो इसका सेटअप वगैरह मैं पहले ही करके रेडी किया हूँ। मैं आपको सजेशन एक देता हूँ दोस्तों, अगर आप अपने फोन को रिपेयर के लिए देते हैं तो आपको अपने फोन का बैकअप ले लेना है, अगर बैकअप लेने की कंडीशन में आपका फोन है तो आप कोशिश करिए कि उसका बैकअप ले लीजिए, अदरवाइज जब ये सर्विस सेंटर से बन के आता है फोन आपका तो ये बिल्कुल फॉर्मेट कंडीशन में देते हैं, वो ऐसा लगता है कि आपके पास बिल्कुल न्यू फोन आया है। तो फोन की कंडीशन देख करके तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि फोन मेरा ओपन भी किया गया है, बहुत अच्छी फिनिशिंग इन्होंने इसमें दी है। और डिस्प्ले की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिस्प्ले जो इन्होंने इसमें लगा के दी है ये एमोलेड डिस्प्ले जो इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले है वैसी ओरिजिनल पार्ट ही इसमें लगा हुआ है। और वारंटी की बात करते हैं तो इनके सर्विस सेंटर जो है अपने जो भी पार्ट इसमें रिप्लेस करते हैं उसका 30 डेज का रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं,
तो अगर हमारे डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम होती है 30 डेज के अंदर, तो हम लोग इसको वापस करके दोबारा इसको रिपेयर करा सकते, तो ये चीज़ सही है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरे फ़ोन में कुछ 5 टाइप के इसमें प्रॉब्लम थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो जिससे कि इसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, तो डिस्प्ले मेरा बिल्कुल सही हो गया है और डिस्प्ले की जो स्मूथनेस है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ चलता है फ़ोन, बहुत ही अच्छा स्मूथ है और ऐसा लगता है बिल्कुल न्यू फ़ोन आ गया मेरे पास। तो दोस्तों, B2S की सर्विस सेंटर के थ्रू मुझे इस फ़ोन को रिपेयर कराने में टोटल कॉस्ट कुछ 7,300 रुपीज़ का पड़ा हुआ था और जब मैंने इसको लोकल मार्केट में इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में इसका रेट पूछा था, तो सिर्फ डिस्प्ले का रेट जो है लोकल मार्केट में मुझे 10,000 रुपये बता रहा था एक शॉपकीपर, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगा। हालांकि सर्विस सेंटर में मुझे इसमें कई चीज़ें इन्होंने रिपेयर करके दी है, एक तो ये जो USB पोर्ट है, इन्होंने इसमें USB पोर्ट चेंज किया हुआ है और अंदर इसकी जो बैटरी है, बैटरी इन्होंने चेंज की है, इसका डिस्प्ले चेंज किया है और जो मिड प्लेट होती है वो इस जगह पर होती है, ये चीज़ तो इसको भी चेंज किया है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो स्टार्टिंग में क्रैक हुआ था वो इस जगह पर हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा मिड प्लेट भी हल्का सा बेंड हो गया था, उसकी वजह से उसको भी चेंज किया है। और जो स्पीकर है ये वाला, यहाँ पर डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम थी तो ये वाला स्पीकर भी इन्होंने इसमें चेंज कर दिया था, तो 7,000 में ओवरऑल इतनी सारी चीज़ें चेंज की, तो एक्चुअल में सर्विसिंग की सही है। अगर आपका फ़ोन ऐसा कुछ डैमेज होता है तो आप इसको इनकी सर्विस से इसको रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपका फ़ोन लिक्विड डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर लिक्विड डैमेज हुआ आपका फ़ोन तो वो सर्विस में आपका बहुत ही ज़्यादा खर्चा आने वाला है, और मेरा सजेशन ये है कि आप लिक्विड डैमेज फ़ोन को सर्विस सेंटर में मत भेजना। तो दोस्तों, ये फ़ोन जो है ये गूगल पिक्सल 3 XL मॉडल का फ़ोन है, और पिक्सल डिवाइस की अगर बात करते हैं, बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जिनको पिक्सल डिवाइस बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी ये फ़ोन अच्छा खासा पसंद है, क्योंकि इसका जो कैमरा है, ये कैमरा इसका बहुत ही अच्छा है। और हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर उतना कुछ खास नहीं है, बट इसका कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आईफोन की बात करता हूँ तो आईफोन के बाद अगर किसी मोबाइल का नंबर आता है कैमरे के मामले में तो वो पिक्सल डिवाइस ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस गूगल पिक्सल डिवाइस के सर्विस से रिलेटेड, तो आप वो सभी डाउट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो उसके सारे आंसर मैं आपको वहीं पर दे दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।